हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए। तो चलिए, अभी हमारे पास ये सिस्टम है एक, और इसके अंदर प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ क्या आ रही है इसके अंदर। पहले तो मदरबोर्ड से भी दिक्कत थी, और वो तो मैंने ठीक किया इसको अभी। और जैसा कि आपको दिखाता हूँ, मैं ये अंदर दिक्कत ये आ रही है, इसके पावर स्विच की भी दिक्कत थी, वो मैंने रिपेयर किया, इसको दूसरी स्विच लगा दिया हूँ। अभी देखें, ये ऑन किया मैंने इसको और ये ऑन हो गया है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है अभी देखें। यहाँ पे डिस्प्ले भी आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले भी आ रहा है बिल्कुल ओके ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं ये हार्ड डिस्क लगाता हूँ, हार्ड डिस्क का पावर जैसे ही लगाऊँगा मैं इसको, तो जैसे ये मैंने पावर लगाया, अभी जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो फ़ैन एक बार स्पिन करता है और बंद हो जाता है। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम जो मुझे मिली है वो हार्ड डिस्क से है, ये 100%। ये देखें, बंद हो गया, ऑन होता है बंद हो जाता है। ये देखें, फिर से मैं इसको लगाता हूँ, ये देखें स्पिन होके बंद हो गया है। तो ये 100% आपका इसी से दिक्कत है, हार्ड डिस्क से ही। और हार्ड डिस्क मैं अभी ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या दिक्कतें होती हैं। तो ये देखें हार्ड डिस्क है, और पावर सप्लाई में भी देखें आपका दिक्कत वही होगी सेम, जैसे ही ये ऑन होके बंद हो जाएगी सप्लाई। तो ये चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा। और अभी मैं इसको स्टार्ट करा के ऑन करता हूँ, तो इसमें भी इसको ऑन होके बंद होना चाहिए सप्लाई को। तो ये देखें, ये हो गई, ये देखें सप्लाई ऑन हुई और ये बंद हो गई ठीक है। तो अभी इसको हम ऐसे ही चेक करेंगे, इसको कंटिन्यू चलना चाहिए। तो अभी हम सप्लाई किनारे रख देते हैं, इसको ओपन करते हैं, पहले इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, आप इसको खोल सकते हैं। ये हमारे पास हार्ड डिस्क देख लीजिए, WD की है, वेस्टर्न डिजिटल, 160 GB की हार्ड डिस्क है, वेस्टर्न डिजिटल है, ब्लैक, 160 GB। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये श्योर आपका सर्किट में शॉर्टिंग है, इस तरीके की दिक्कत आती है, पहले भी हमने रिपेयर की हार्ड डिस्क इस तरीके की। तो ये आप देख लें, और ये होता क्यों है आपका, या तो गलत सप्लाई आप लगाएंगे या पावर सप्लाई में कोई दिक्कत आएगी तभी इसमें दिक्कत आती है। तो इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है इन्होंने गलत सप्लाई लगाई हुई है। तो यहाँ से आप फिज़िकली पहले देखेंगे, यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि फिज़िकली मैंने इसको भी खोला हूँ, तो यहाँ पर देखें, ये कैपेसिटर आपका लीकेज है, और यहाँ पर भी ये लीकेज है ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है फिज़िकली नहीं दिखती हैं, तो वो आपको मीटर से ही चेक करना पड़ेगा उस चीज़ को, और तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप देखेंगे यहाँ से, तो इसको मल्टीमीटर को रखेंगे हम डायोड या बीप मोड पे, और यहाँ से इसको चेक करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखें कैपेसिटर लगा हुआ है, पहली चीज़ ये देखिए आपका शार्ट बता रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ शार्ट हो, अगर इसके सीरीज़ में जो चीज़ें लगी होंगी वो भी शार्ट हो सकती हैं। तो ये देखें, ये डायोड लगा हुआ है D3 करके जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे ये D3 करके डायोड लगा हुआ है, इसमें एक साइड आना चाहिए रीडिंग, एक साइड नहीं आना चाहिए। यहाँ पर भी एक डायोड लगा हुआ है, तो ये डायोड देखें आपका सही बता रहा है, यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है एक साइड से, ये देख लें आप, एक साइड से ये, एक साइड से रीडिंग आ रही है, एक साइड से रीडिंग नहीं आ रही है। तो सेम चीज़ इसमें भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बीप आ रही है, मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग है, या आपका कैपेसिटर शॉर्ट है, या आपका ये डायोड शॉर्ट है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं जो फिज़िकली हमको दिख रहा था यहाँ पर, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखें सीरीज़ में लगे हुए हैं दो कैपेसिटर, ये भी बीप कर रहा है, ये भी बीप कर रहा है ठीक है।
यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, ये भी बीप कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये ठीक है, ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, तो बाकी ये सब ठीक बता रहा है। तो अब अभी हम क्या करेंगे, पहले ये सारे कंपोनेंट को निकाल करके इसको चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग रिमूव हो रही है कि नहीं हो रही है। और दूसरे जो है यहाँ पे कैपेसिटर रिप्लेस करेंगे या डायोड जो भी है रिप्लेस करेंगे उसको, और फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो चलिए हम इसको निकालते हैं पहले। अभी यहाँ पे दो कैपेसिटर ये सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। एक निकालेंगे तो एक पे शॉर्टिंग हटना चाहिए। और आपके पास स्क्रैप होना चाहिए ये सारे जो रिप्लेस करेंगे हम इसको, तो स्क्रैप से ही निकाल के रिप्लेस करेंगे। ये देखें हमने निकाल दिया, या टूटा हुआ था, लीक था पहले से ही। ये देखें यहाँ से भी जो गड़बड़ है उसको भी निकालेंगे। तो ये भी हमने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये डायोड भी निकाल देते हैं पहले, और बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर हमारा सही होगा तो वापस लगा देंगे इसको डायोड को, लेकिन डायोड ऐसे नहीं चेक हो पाएगा बोर्ड में, कुछ चीज़ें बोर्ड से निकालने के बाद ही चेक हो पाती हैं, तो इसको चेक करना पड़ेगा आपको। आपको बहुत केयरफुली हीट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लास्टिक होती है, तो उसके भी मेल्ट होने का खतरा रहेगा आपका। तो अभी मैं ये निकाल दिया हूँ, अब मैं फिर से चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है। अभी यहाँ पे देखें ये बीप कर रहा था, अभी देखें ये बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखें अभी बीप नहीं कर रहा है, मतलब शॉर्टिंग ये यहाँ से तो हट गई हमारी, और यहाँ पर भी बीप कर रहा था दोनों कैपेसिटर। तो ये देखें ये भी नहीं बीप कर रहा है, यहाँ पर चेक करते हैं, ये भी नहीं बीप कर रहा है, ये बीप कर रहा था हमारा, ठीक है। और यहाँ पे भी बीप कर रहा था, तो ये भी सही बता रहा है। और ये हम डायोड चेक करते हैं इसको, ये तो ये डायोड भी मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है, इसको वापस से लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वोल्टेज अगर इससे ये जुड़ा होगा यहाँ पे कनेक्टिविटी, तो इससे वजह से भी आपका शॉर्टिंग यहाँ पे बताएगा। तो ये देखिए एक तरफ से नहीं आ रही है रीडिंग, मैं इसको चेक करता हूँ अच्छे से। यहाँ से एक साइड रीडिंग नहीं, एक साइड आ रही है, दूसरी साइड नहीं आना चाहिए। तो ये देखें हमारा बिल्कुल ठीक है, डायोड जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो इसको रेयर केस में ही ख़राब होते हैं। इसको मैं वापस से लगा देता हूँ। तो आप इसमें डायोड में डायरेक्शन होता है, आप देखें यहाँ पे, और इस चीज़ को आप केयर करके लगाना है, उल्टा लगा देंगे तो दिक्कत आएगी आपको। तो यहाँ पे देखिए ये मार्क बना हुआ, जिस साइड मार्क आपका है, ये इस साइड मार्क होगा, उस साइड आप इसमें डायोड में भी देखें मार्क होगा, शायद आपको दिखे। ये देखें लाइनिंग इस तरीके से खींची हुई है, तो इस साइड से आपको देख के ये चीज़ लगाना रहेगा, उल्टा नहीं लगाना है आपको। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ वापस से, और फिर इस कैपेसिटर पे फिर से मैं चेक करता हूँ, और इस डायोड पे भी चेक करूँगा, क्योंकि डायोड पे भी कंटिन्यूटी बता रहा था पहले जब फर्स्ट टाइम मैं चेक किया हूँ इसको।
ये देखें अभी ये लग गया है डायोड, और अब हम दोबारा से चेक करते हैं इसी डायोड पे भी कंटिन्यूटी। ये देखें रीडिंग आ रही है और यहाँ पे भी रीडिंग आएगी, ये देखें ठीक है। तो ये चीज़ हमारी अभी यहाँ पे कंटिन्यूटी आना चाहिए, बीप आएगी, यहाँ भी बीप आएगी रजिस्टर पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन हमारे पास होता है कि आप अभी यहाँ पे डबल कैपेसिटर लगे हुए, कैपेसिटर जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए ही लगे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर ना लगाऊं तब भी काम चलेगा और ये हमारा बोर्ड ऑन हो जाएगा, लेकिन मैं लगा देता हूँ क्योंकि आगे फिर कभी दिक्कत आएगी तो ये कैपेसिटर ही हमारे ख़राब होंगे, अदरवाइज़ नहीं तो हमारे डायोड या आईसी पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाते हैं। ये दोनों लगा देंगे, दो निकाल करके यहाँ से, तो चलिए मैंने लगा दिया है। और एक बार इसको पीसीबी को क्लीन करेंगे थोड़ा अच्छे से ब्रश से, इसको क्लीन कर लेंगे एक बार, और उसके बाद अभी मैं इसमें पावर दे के फिर देखता हूँ। चलिए मैं भी पहले इसको ऐसे ही पावर देके देखता हूँ कि सप्लाई हमारी बंद हो रही है कि नहीं हो रही है, फिर इसको पैक करते हैं और फिर सिस्टम में लगा के चेक करेंगे। तो चलिए ये मैंने लगा दिया सप्लाई, और इसको भी स्टार्ट कराता हूँ। ये देखें हमारी सप्लाई काम कर रही है, ये बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे हीटिंग वगैरह चेक कर लेंगे कहीं कोई कंपोनेंट हीट तो नहीं कर रहा है, तो कोई भी कंपोनेंट हीट नहीं कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हार्ड डिस्क ऑन हो जाएगी हमारी अभी। तो चलिए मैं इसको अभी लगाता हूँ सिस्टम में और आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस है अभी इसका। तो इसको पहले बांध देते हैं,
चलिए ये मैंने लगा दिया और ऑन भी कर दिया और ये बिल्कुल काम कर रही है। अभी मैं इसको लगाता हूँ सिस्टम में, फिर दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स देखें, अभी मैंने थोड़ा सा इसका ये कनेक्टर का ये चेंज कर दिया, मैंने साटा पोर्ट चेंज कर दिया है और यहाँ पे देखें ये हार्ड डिस्क उठा लिया है इसने, क्योंकि विंडोज़ 10 पड़ी हुई है, ये ओपन हो रही है, रिपेयर कर रहा है क्योंकि कई बार बंद हुआ है सिस्टम, इसकी वजह से विंडो में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आती है शॉर्टिंग, तो कोई बोलता है नहीं रिपेयर होता है, तो ऐसा नहीं है। और हार्ड डिस्क में रिपेयरिंग का जो होता है वो पीसीबी पे हो कोई दिक्कत तो सॉल्व हो जाती है शॉर्टिंग वगैरह। बाकी अगर आपका बैड सेक्टर आ गया है हार्ड डिस्क में या उसके हेड की कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके का आपका रिपेयरिंग जो है काफ़ी कॉस्टली होती है, बहुत महंगा पड़ता है। तो बैड सेक्टर तो नहीं रिपेयर होते हैं, बस ये कि डेटा वगैरह निकालने के लिए लोग उसको करते हैं यूज़ और हो जाता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है आपका। लेकिन पीसीबी पे अगर शॉर्टिंग है आपका, तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं आसानी से और किसी अच्छे टेक्नीशियन के पास ले जा करके, तो हो जाता है ये। तो विंडो ओपन हो जाए, मैं अब तक पास करता हूँ आपको और आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि आप देख ले वही हार्ड डिस्क है। ऐसा नहीं कि कोई इस तरीके की जो मैं आपको दिखाया था हार्ड डिस्क, वही हार्ड डिस्क है, वही चल रही है। और आपको कोई दिक्कत आती है या कोई सजेशन चाहिए मुझसे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल कर मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, उसने स्टार्टअप को फिक्स किया है और अभी रिस्टार्ट हो रहा है सिस्टम दोबारा से, और मुझे लगता है अभी ये ओपन हो जाएगा। देखें विंडो 8 डाला हुआ है इन्होंने, विंडोज़ 10 नहीं है इसमें, और पासवर्ड भी पड़ा हुआ है शायद। तो कोई बात नहीं है, हार्ड डिस्क काम कर रही है, हमें बस वही चेक करना था। तो अभी हम सिस्टम को ऑफ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, इस तरीके की वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा चैनल पे, आपको नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी।